हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को फिर से मेरा इस न्यू वीडियो ब्लॉग पर स्वागत करता हूँ। तो आज शाम हम लोग डिनर नहीं बनाने वाला है, तो डिनर के बदले में हम लोग चिकन बिरयानी बनाने वाला है, क्योंकि पासीघाट से आया हुआ है मेरा दो भाई और छोटी मम्मी आया हुआ है। तो छोटी मम्मी जो हम लोग को बना के खिलाने वाला है। बहुत बार रेस्टोरेंट में तो खाया है, लेकिन अपना घर का होममेड चिकन बिरयानी कभी खाया नहीं है। तो आज शाम को हम डिनर नहीं बनाएंगे, तो पासीघाट से जो मम्मी आए हैं वो हम लोग को बना के खिलाएंगे। तो गाइस, वीडियो पे बने रहना और देखते रहिएगा कि इस तरह से चिकन बिरयानी बनाता है। सो अभी हम लोग कढ़ाई को डाल दिया है आग पर। हम लोग आग में बनाए, चूल्हा पे बनाएगा। तो देखिए, ये मेरा छोटा मम्मी पासीघाट से आया है, तो यही हम लोग को सबको बना के खिलाने वाला है आज को। और यहाँ पे रेडी है हम लोग का मसाला वगैरह। देखिए, यहाँ पे है चिकन, 1 किलो चिकन, टमाटो, प्याज, और यहाँ पे मसाला लोग सब रेडी है। और यहाँ पे हाथ से कूटा है लहसुन, प्याज वगैरह सबको। तो सब कुछ रेडी है। अभी गरम करना है तेल। अभी यहाँ पर हम लोग तेल को गरम करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं प्याज। और यहाँ पर मेरा सासू मम्मी आया है, तो इसे भी खिलाएंगे। अभी ये आगे आगे खेला खा रहा है। डाल रहा अभी कूटने वाला, जो कूट के रखा था प्याज और लहसुन। साथ ही साथ में डाल रहा है टमाटर। अभी डालने जा रहा है चिकन बिरयानी मसाला, चिकन बिरयानी मसाला। जितनी मसाला था उनका पानी का कारण मिक्स करते हैं। तो कन का निकले तो कुछ देर के लिए इसे ऐसे दाब के पकाया जाएंगे हम लोग। सो गैस, अभी यहाँ पे चिकन बिरयानी के लिए खाने के लिए हम लोग गर्म पानी डाल के रखा है। तो अभी यहाँ पे धनिया और खतरा, देखिए और यहाँ पर है मेरा स्पेशल डिश। देखिए, ये है ताड़ी घंटी पुक, जो अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी हिट है। हम लोग का पासीघाट में और भी ज़्यादा हिट है, इनके लिए वो जगरा होता है। देखिए, यह है घंटी पुक। सो माय व्यूअर्स, अभी आप सभी को मैं स्पेशल डिश दिखाता हूँ। ये लहसुन, ज़्यादा नहीं, लहसुन 2-3 छिल के डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अदरक, पासीघाट से बहुत ही थे। पासीघाट में तो ये गांधी कुक के लिए बहुत झगड़ा भी होता है, और बहुत सा जगह में बस्ती वाला लोग मना भी करता है। तो सो माय व्यूअर्स, आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी को गांधी कुक तारीख खाने मत, मैसेज मेरा बस्ती आ जाओ, बस्ती में पूरा फ्री है।
तो वैसे तो बहुत मिलता है यहाँ पे फ्री है, कि बहुत इंटीरियर जगह में हम लोग का, तो कोई लेने आता नहीं है। तो वैसे अभी यहाँ हो गया, देखिए हो गया, मैं से यहाँ पे निकलता हूँ। तो अभी यहाँ पे मम्मी जो चावल को निकला है, ये चावल को हम लोग पासीघाट से खरीद के लेके आए, KRT चावल, बासमती चावल है, ये छोटा सा पैकेट लेके हम लोग 400 रुपये। अभी चावल को हम लोग डाल चुका है लिक्विड कुकर पर, तो इससे भी हम लोग आटा पकाएंगे। व्यूअर्स देखिए, यहाँ पर जो हम लोगों ने खाना पकाया था वो खाना पक चुका है, अभी इससे हम लोग ऐड करेंगे चिकन के ऊपर। तो गाइस देखिए अभी डाल के हो गया है, अभी इसे बंद करके हम लोग रखेंगे चूल्हा के ऊपर में। देखिए तो कुछ देर तक इसे पकाए जाएंगे ताकि यहाँ पे अच्छी तरह से चावल और चिकन का जो ग्रेवी है वो मिक्स हो सके। देखिए तो हम लोग रुकते हैं कुछ देर तक। तो मैं व्यूअर्स यहाँ पे देखिए हम लोग बर्तन को चूल्हा के ऊपर रखा गया है। देखिए प्रोसेस कुछ इस तरह से है। तो इसे देखिए ज़्यादा आग नहीं डालना है, तो जितना सकेगा इसे कोयला के ऊपर में रख के पकाना है। कुछ देर तक हम लोग इसे पकाएंगे, हल्के हल्के गर्म करके पकाना है इसे। सो गाइस देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से पक चुका है, तो अभी हम लोग निकालेंगे इसे, नमाएंगे। सो गाइस देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से पक चुका है, तो अभी हम लोग निकालेंगे इसे, नमाएंगे। सो अभी देखिए गाइस यहाँ पे पॉट पॉट में निकाल के और सभी को मिक्सअप कर रहा है अभी। लाजवाब, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। और ऊपर में धनिया छिड़क रहा है, देखिए। वाओ गाइस देखिए यहाँ पे बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पे रेडी हो गया है हम लोग का चिकन बिरयानी, तो मैं सबसे पहले टेस्ट करता हूँ। वाव, और इनके साथ में मैं जो आगे को गंदी पुक का चटनी हम बनाए तारी का, तो इसके साथ में मैं खाऊंगा। लाजवाब, बहुत ही मजा है। आपको कैसा लग रहा है, मजा है? बहुत अच्छा है। कैसे से बनाए? ये मेरा भाई दोनों है जो पासीघाट से है। पेट भर जाएगा आपने? नहीं अंक, कैसा लग रहा है? मजा लग रहा है, टेस्टी है, बढ़िया। पहली बार अपना होममेड चिकन बिरयानी में खा के देख रहा हूँ, लेकिन बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और ये मेरा गंडी पुक का चटनी, बहुत ही मजा है।
और ये देखिए, इसे तो सब पहचानता होगा। देखिए रोस्ट किया हुआ पोर्क और मीट। अब नहीं नहीं खाते एक प्लेट मुझे पहुंचा नहीं है, मैं और खाऊंगा क्योंकि बहुत ही टेस्टी लग रहा है मुझे हमको। वाओ और एक प्लेट तो यहाँ पे कॉफी भी आ गया है, चिकन बिरयानी विद कॉफी। आमंद ने गरीब के दूंगा आपको ने गाजर को बजलाए मत के नहीं लोग गाजर तो लेने का मैं आई हूँ मैं कलू दूँ लयांग और मीना कंपटीशन कर रहे थे घी डाल के खा रहा है ना। अमिता अभी भी शुरू हो रहे हैं, तुम दोनों तो पहले से शुरू हो क्या? अब हम दोनों बहुत कमती खाया ना, मेरा भाई खाते खाते पसीना भी निकल, सिंगन भी निकलेगा होगा। मैं क्या चार ताली होने जा रहा है? चार ताली तो दोस्तों मैं व्यूअर्स फाइनली हम लोग शाम की जो चिकन बिरयानी था तो खा के हो गया है, तो काफ़ी रात भी हो चुका है तो हम लोग भी अभी रेस्ट करेंगे। तो चिकन बिरयानी बहुत ही टेस्टी था, फर्स्ट टाइम मैंने होममेड अपना चिकन बिरयानी जो बनाया है उसे खाया है, बहुत ही टेस्टी लगा है, थोड़ा सा स्पाइसी हो गया है तब भी बहुत ही मज़ा लगा हमको। तो सभी ने बहुत सारा खाया है और काफ़ी रात हो चुका है तो हम सभी भी अपने अपने रूमों में आ गए हैं, तो सभी लोग रेस्ट करेंगे। तो आप सभी को भी गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम, अच्छे से सोइए और हेल्दी रहिए। तो आप वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो मेरा आज का वीडियो ब्लॉग इतना पर था, तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।